राजस्थान के छोटे से गांव मानपुरा में अपना दिन माइंडफुलनेस ध्यान के साथ चालू किया, मन को शांत किया। ध्यान करने के बाद हमने इसकी पहली वाली मीटिंग में जो भी सीखा उसके बारे में थोड़ी बातचीत की, जिसमें हमने उन्हें सिखाया मीटिंग क्या होती है, मीटिंग कैसे होती है। हमने उनसे पूछा, क्या सभी लोग टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं? रेगुलर ग्रुप मीटिंग्स हो रही है? क्या प्रोडक्शन के दौरान कोई मुश्किलें आ रही हैं? हमने उनसे प्रोडक्शन की क्वालिटी के बारे में पूछा और वीकली, डेली प्रोग्रेस, प्रोसेस, एक्शन और इम्पैक्ट। हमने सभी ग्रुप्स की महिलाओं से ये सभी चीजें डिस्कस की। कहानी के माध्यम से हमने उनको बताया मिलकर निर्णय लेने के क्या फायदे होते हैं, साथ निर्णय लेने से कैसे प्रेम भाव आता है और अच्छा भी लगता है, व्यवहार में विनम्रता आती है और सीख भी मिलती है, अलग अलग लोगों की अन्य प्रकार की सोच से अलग अलग प्रकार के निर्णय आते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग जब सब मिलकर लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबको कुछ नया सीखने भी मिलता है। और मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम एडवाइस प्रोसेस कहते हैं। इसी एडवाइस प्रोसेस को हमने आर्टिसंस को सिखाया कि आइजेनहोवर मैट्रिक्स द्वारा निर्णय कैसे लेते हैं। आइजेनहोवर मैट्रिक्स से हमने ये सीखा कि कैसे काम की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने रियल टाइम डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखा।